अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी 2 अक्टूबर को देशव्यापी बंद करने का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी देते हुए यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड एक जघन्य हत्याकांड है, जिसकी CBI जाँच कराई जानी चाहिए और मामले में अन्य लोगों को भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में लगातार आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के परिजनों को बिना परमिशन रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाने वाली विधायक रेणु बिष्ट की भी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बंद को लेकर सभी संगठनों और व्यापार मंडलों से बंद को सफल बनाने की अपील की है। साथ ही कहा कि इस दौरान कोई धरना प्रदर्शन और जबरन बाजार बंद नहीं कराया जाए। जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ इसको लेके हमने क्या, मैं समझता हूँ कि तमाम और भी कई संगठन है और एकमात्र बंद का हमारा औचित्य खाली राजनीति करना नहीं है। एक आक्रोश होता है, बंद का मतलब ये होता है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाना और उसको लेके हमने इसको बंद किया है। CBI जांच होगी अंकिता भंडारी वाले मामले बिल्कुल, इसकी CBI जांच जो हमें लग रहा है इस समय कि इसको दबाने की जो वो हो रही है। और ये नहीं कि हमारे जो यहाँ जो जांच कर रहे हैं जो एजेंसियाँ उन पे हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, वो अपनी जगह जितना उनसे हो पा रहा है वो जांच कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उनका अधिकार क्षेत्र वहीं तक है, एक साधारण व्यक्ति तक ही हाथ अपना, बड़े तक वो हाथ नहीं पहुँचा। इसलिए हम तो सीधी सीधी CBI जाँच की, CBI जाँच हो और दूध का दूध पानी का। और जो हमें लग रहा है ये कि जिस तरह से उन लोगों को बचाने की बात की जा रही है, जैसे हमें लग रहा है कि रात को 2 बजे रात को जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, सबसे पहले जो है उसी लड़की के कमरे को तोड़ा जा रहा है, उठाई है हमने बात। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बात नहीं उठाई, हमने उठाई थी ये बात कि भाई इसको बुलडोजर फेरा जाए, लेकिन पहले उसके जो साक्ष्य है उसको सुरक्षित कर दिया, इकट्ठा कर दिया जाता है, तब जाके कहीं पड़ते। उन्होंने तो अनाप एकदम जो है बुलडोजर चला दिया। अभी आपने बात रेणु बिष्ट की भी की थी, क्या लगता है उनकी क्या संलिप्त हो? वो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है, वो तो साफ नजर आ रहा था क्यों गई वो, और वो ये कह रही है उसे ये शर्म नहीं आ रही कि उसके अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। उसे यही पता नहीं कि मैं MLA हूँ यहाँ की विधायक और मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है। क्या वो मुख्यमंत्री सीधा उससे ये कह देगा कि हाँ रेणु जी आप बुलडोजर चलवा दो? वो बैठ पे यूं करिए, समझ रहे मेरी बात? और जो DM है, जब हम इस बात को उठाते हैं तो DM कहता है कि मेरे भाई मैंने कोई आदेश नहीं दिया। कौन देगा, जिले का मालिक कौन है? जिलाधिकारी है, वो आगे अपने नीचे वालों को देगा, किसको देगा? स्वयं तो नहीं बुलडोजर लेके आएगा, लेकिन उन्होंने साफ मना किया कि हमने कोई, और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। और कल सुनने में आ रहा है कि कल वो अपने उससे मुकर गए, तो कहीं ना कहीं तो छेद है ना, कल कुछ कह रहे हो आज कुछ। तो श्री तरह जनपद के सभी क्षेत्रवासियों को राज्य मंत्री राजा मंकेश्वर शरण सिंह के सानिध्य में मोहम्मद अशरफ प्रधान प्रतिनिधि भैलाई कला तिलोई जनपद अमेठी की तरफ से नवरात्रि दशहरा वारा रवि अवल व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।